क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी। नीट देने वाले प्यारे बच्चों, ये तो साफ दिख रहा है कि ईयर बाई ईयर लाइफ नॉर्मल होती जा रही है, पढ़ाई भी नॉर्मल होती जा रही है, तो सारे एग्ज़ाम के शेड्यूल भी नॉर्मल टाइम पे आ जाने चाहिए। और अगर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वहाँ तो इस जद्दोजहद से पूरी कोशिश की जा रही है, इस मानसिकता से पूरा सेशन को चलाया जा रहा है, और इसके लिए मेडिकोज को एक्स्ट्रा बुलाया जा रहा है, प्रोफेसर द्वारा एक्स्ट्रा क्लासेस लेके पढ़ाया जा रहा है, और सेशन कंप्लीट इन वेल टाइम इस मिशन पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। 2021 में नीट का एग्ज़ाम सितंबर में हुआ, 2022 में ये 17 जुलाई को यानी जुलाई में हुआ, तो बीच में से अगस्त हटा। तो अब अगर 2023 की बात करें तो जून हटेगा और ये नीट का एग्ज़ाम मई में दिखेगा। अब मई में ये शुरू के संडे 7 मई को कि 14 मई को कब होता है ये अलग बात है, मुझे 14 मई के चांसेस अधिक दिख रही हैं, लेकिन फिर भी हमको एडवांस के हिसाब से अपने को 7 मई के हिसाब से फोकस करके चलना चाहिए। तो आज से इस नीट 2023 के डेट को मई में लेके चलें और अपने को पढ़ाई के हिसाब से अपडेट करते चलें, ताकि आप 2023 में सेलेक्ट होकर लाइफ को सेलिब्रेट कर सकें। और एक बात बहुत ज़रूरी, सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकल कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम आज तक जिस भी नाम से हुआ है, ऑल इंडिया PMT या नीट, और इसमें आज तक जितने भी सब्जेक्ट के हिसाब से टॉपिक से पूछा गया है और जितने भी पैटर्न से क्वेश्चन को पूछा गया है, उन सब का आप पर कमांड होना चाहिए, उनकी आपकी अच्छी ग्रिप की प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि इस बार 2022 में जब से ये एम्स इस नीट के साथ ऐड हुआ है, बच्चों ने सोचा कि आजकल एडमिशन रीजन क्वेश्चन नहीं आते, और इस बार 2022 बच्चों ने इसकी ये भूल कर दी, और उनको मालूम पड़ा जब हर सब्जेक्ट में एडमिशन रीजन क्वेश्चन आ गए, और वहाँ पे बायो में तो ऐसे आए कि वहाँ पे अधिकतर आंसर ए और बी में बच्चे फंस गए। इसलिए बच्चों का बायो में टाइम मैनेजमेंट फेल हो गया, और फिजिक्स जो आसान था उसका भी फायदा नहीं उठा सके, और इस चक्कर में कई बच्चों को जो कि सब्जेक्ट्स तैयार थे लेकिन पैटर्न पर प्रैक्टिस नहीं करी थी, स्पेशली एजुकेशन रीजन क्वेश्चन की, उनको वापस से 1 साल लगाना पड़ रहा है, जो कि जीवन के लिए कितना अनमोल होता है। इसलिए बच्चों आप इस बात का ध्यान रखना, और कहते भी हैं नेवर कंपटीशन विद अदर्स बट ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक ऑफ अदर्स। और लास्ट में ये जरूर बोलूँगा चलते चलते कि नीट का एग्ज़ाम नीट और क्लीन होना चाहिए, ताकि विश्वास से बच्चे पढ़ते रहे और मेहनत कश बच्चों का हमेशा भला होते रहे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, योर बेस्ट, डियर बेस्ट। बहुत जल्दी मैं आपके सेशन लेके आने वाला हूँ। अभी तक मुझसे जो फैमिली में नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, अरे समझ गए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर दें। विजय भाव, हैव ए नाइस लाइफ अहेड। थैंक यू वेरी मच।